Welcome back to the Reactionist, guys. This is Siddhant. This is Pravash. And guys, आज हम react करने वाले हैं on the official trailer of Jug Jug Jio. जी गाइस, इसकी बहुत सारी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही थी. लंदन में जाके वो शूटिंग कर रहे थे अनिल कपूर, नीतू सिंह जी और वरुण धवन और कियारा आडवाणी. ये मूवी आने वाली थी, हम सबको पता है. और इसका ट्रेलर गाइस कल अपलोड हो गया यूट्यूब पे. सॉरी गाइस, हम थोड़ा लेट हैं. क्या कर सकते हैं गाइस, को अपनी भी कुछ काम रहती है, उसके ऊपर थोड़ा बिजी थे, दूसरे कमिटमेंट्स होते हैं. लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं और बताते हैं कि रिव्यू कैसा है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू इट. तुम दोनों बिना शर्माए एक साथ बताओगे कि तुम्हें एक दूसरे से क्या चाहिए. वन टू डिवोर्स. बीवी की शादी के लिए घर जाएंगे. उसकी शादी हो जाने तक इस डिवोर्स के डिसीजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे. शादी के बाद इतनी बोरिंग क्यों हो जाती है? पापा आपने मेरी मुंह की बात छीन ली है. अरे भैया, मुंह से निवाला छीन ले, तू बात के बात कर रहा है. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल पता है कौन सा है? कौन सा होता है? घर वाली. क्यों? क्योंकि उसे बार बार मराना पड़ता है. इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं तेरी मम्मी को डिवोर्स कर रहा हूँ. मेरा और मैं इसका चोपड़ा एक दूसरे से, तू समझ रहा है ना? हम दोनों पापा की गोद में बैठ के बड़े हुए. अब वो टीचर आके पापा जी की गोदी में बैठ गई. अब पापा जी बड़े हो रहे. मुझे समझ आ गई पापा जी की प्रॉब्लम क्या है. मतलब पापा जी ठरकी हो गए. ठरकी कुकू ठरकी. तेरे नैना के बीच में सब ठीक है ना बेटा? अगर तुझे कुछ टिप्स चाहिए ना तो अपने पापा से ले लेना. अच्छा अच्छा, अच्छी सलाह देंगे. तेरी माँ मीरा से मिलना चाहती है. मीरा कौन है? पापा जी की गर्लफ्रेंड. रिश्ता टूटने की कोई एक वजह नहीं होती, बहुत सी अधूरी लड़ाइयों की थकान होती है बस. डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं. नहीं तो कौन? ये दोनों और कौन? तुम दोनों. कान खोल के सुनो तुम दोनों, इस घर में ना कभी तलाक हुआ है और ना कभी तलाक होगा. राज मेहता. सही गाना है, सही गाना. और ये हिट होने वाला चार्ट बस्टर. 24 जून 2022. ओके गाइस, ट्रेलर हम लोगों ने खत्म किया एक अच्छे गाने से. जब गाना जब यू नो ट्रेलर के मतलब एंड की तरफ जब शुरू हुआ, मतलब एंड की तरफ हम लोग जा रहे थे, द सॉन्ग स्टार्टेड आउट देयर नच पंजाब, वो शादी में नाच रहे थे. गाइस ये गाना, मैं इस ट्रेलर के बारे में जरूर बात करेंगे, इस मूवी के बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन इस गाने के बारे में पहले बात करनी चाहिए क्योंकि ये एसेंस है मूवी का. यू नो ऐसे गाने जब होते हैं शादी ब्याह के घरों में अगर बजते हैं तो गाइस मतलब आग लग जाती है. आग लग जाती है मतलब अच्छी वाली, मतलब मूड सबका सेट हो जाता है. ये बेसिकली नच पंजाब नच, ये गाना एक पाकिस्तानी सिंगर का है, ये एक पाकिस्तानी एल्बम है और इसको गाया गया था 2002 में. अबरार उल हक जी ने इस गाने को गाया था, जो बेसिकली पाकिस्तानी सिंगर है. वो पॉलिटिशियन भी है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी है एंड ही इज कॉल्ड द किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप. यू नो बहुत फेमस है ये जो गाना ओरिजिनल वाला आप सुनेंगे ना गाइस, जैसे ये इसका रिमिक्स वर्जन है, ये थोड़ा सा मतलब इसको मॉडिफाई किया गया है, थोड़े और बीट्स देके दूसरे सिंगर्स है. इसका ओरिजिनल वर्जन इज सो गुड, इतना मस्त है गाइस, मतलब आपको डांस निकल जाना, हर कोई नाचने लगेगा गाइस, इतना मतलब एनर्जेटिक है वो गाना, हाड़ू गाना है. और अल्टीमेटली अगर इस ट्रेलर के बारे में बात करें तो कास्ट मुझे काफी अच्छी लगी, काफी रिफ्रेशिंग लग रही है और इट इज गोइंग टू बी फनी. लेकिन ये कितना बिजनेस कर सकती है उसका आइडिया नहीं है, लेकिन
इट इज गोइंग टू बी अ गुड वॉच. अगर आप जाके इस मूवी को देखेंगे यू विल बी डिलाइटेड टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि इसमें पहली बार ये जोड़ी दिखाई जा रही है, अनिल कपूर और नीतू कपूर जी की, टू बी वेरी प्रिसाइज. और कुछ ऐसे फेसेस हैं जो इसको हम पहली बार देख रहे हैं, या फिर शायद वो आए हैं मूवीज में, लेकिन इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में देखना यू नो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि वो आएंगे. बट इट्स अ नाइस वेलकम यू नो. वी सी मनीष पॉल एज अ कैरेक्टर ऑफ गुरप्रीत, जो बेसिकली आई गेस वरुण धवन के बड़े भाई होंगे. प्रजक्ता कोहली एज वेल, शी इज अ सोशल मीडिया यू नो इन्फ्लुएंसर, और वो काफी फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है. और शी इज अ गुड कॉमेडियन एज वेल एज मच एज आई नो. उनका वीडियो मैंने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में पता है कि वो काफी ज्यादा फेमस है सोशल मीडिया में. या गाइस, क्योंकि प्रजक्ता कोहली जहां तक कि मुझे पता है कि वो यूट्यूब में मोस्टली सेन नाम की एक यूट्यूब चैनल वो पांच सालों से वो रन कर रही है, और वो काफी फेमस है, और उनका कंटेंट भी काफी कॉमेडी और यूनिक मजेदार होता है. गाइस, जैसे कि वरुण धवन इज प्लेइंग कुकू एंड कियारा आडवाणी प्लेइंग द रोल ऑफ नैना, और ये दोनों का भी मतलब इक्वेशन मुझे अच्छा लगा. जैसे कि हम लोगों को ट्रेलर के पहले ही हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों हैप्पीली मैरिड थे, पर अचानक इन्हें डिवोर्स प्लान कर रही है दोनों के, वो डिवोर्स लेंगे. पर सरप्राइज तो उनके घर में ही गाइस हमें मिलती है जब वो उसकी बहन की शादी में, आई गेस गिनी के शादी में शायद आते हैं वो. ये पूरा रिवील होता है नीतू कपूर और अनिल कपूर वो डिवोर्स करने एंड एक्चुअली अनिल कपूर प्लान करने के वो डिवोर्स लें बिकॉज ऑफ टिस्का चोपड़ा. एंड यही सब होती है. ये कॉमेडी मतलब ये फैमिली ड्रामा रोम कॉम टाइप की है, कॉमेडी ड्रामा है, काफी अच्छी है गाइस. और गाइस अगर कास्टिंग की अगर बात कर ही रहे हैं तो मैं बता दूं गाइस एक अजीब सी चीज है, ये कास्टिंग डायरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है या फिर प्रोडक्शन कंपनी की प्रॉब्लम नहीं है. नीतू सिंह जी मतलब अनिल कपूर के साथ उनका हस्बैंड वाइफ, जो मतलब अनिल कपूर इतना यंग लगता है ना कि ये ट्रेलर में पूरा एविडेंट है, मतलब दिख रहा है, समझ में आता है कि वो कितने यंग है इस ट्रेलर में. Yeah. और क्या डैशिंग लग रहा है बॉस. और मुझे तो लगता है कि मूवी अगर चलेगी तो सिर्फ द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू ड्राइव दिस मूवी इज अनिल कपूर. अनिल कपूर ये वरुण धवन है, वो फेमस है, ही इज अ गुड एक्टर, ही इज बीइंग लव्ड बाय यू नो यंग मासेस एंड यंगस्टर्स, लेकिन अनिल कपूर जी का चार्म ही कुछ अलग है. सो आई थिंक दैट ही इज गोइंग टू ड्राइव दिस मूवी, क्योंकि उसमें जो स्ट्रॉन्ग कॉमेडी एलिमेंट्स है उनमें माहिर है अनिल कपूर. और जैसे कि मैं इस कास्टिंग के बारे में बता रहा था कि नीतू सिंह जी उनके साथ मतलब उनका जो एक साथ जो उम्र का जो होता है ना वो डिफरेंस वो थोड़ा महसूस हो रहा है गाइस, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये अनिल कपूर दिखते ही इतने जवान है कि उनको अगर नए किसी हीरोइन के साथ भी अगर कास्ट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब उनका फॉरएवर यंग लगता है ना वो ऐसे ही. तो पर कास्टिंग का यही था गाइस, मुझे एक ही चीज मुझे जो लगी वो मैंने आपको बताया. वैसे कास्टिंग काफी कमाल की है, काफी सालों बाद हमें मनीष पॉल देखने को मिले एक बड़े बैनर के अंडर जैसे रिदान ने बताया. और लास्ट हम लोग शायद उनकी पहली जो मूवी थी मिक्की वायरस वो 2013 में आई गेस रिलीज हुई थी, उसके बाद उन्हें तेरे बिन लादेन 2 में देखा था हम लोगों ने, डेड और अलाइव कुछ ऐसा कोई मूवी था उसमें लीड रोल. मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाय द वे उसके उसके जो डायरेक्टर हैं मैं उनके उस डायरेक्टर का नाम मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब तेरे बिन लादेन निकली थी तो क्या पोटेंशियल दिखाया डायरेक्टर ने, और बहुत अच्छा काम मनीष पॉल ने भी किया था. और वो ही इज वेरी यू नो ही इज कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. जैसे सबसे मुश्किल काम होता है किसी शो को होस्ट करना, वो सारे काम पार कर चुके हैं, वो इंडियन आइडल कर चुके हैं, वो बहुत सारे शोज वो बहुत डिमांड में रहते हैं, मतलब उनका जो होस्टिंग रहता है ना, लोग मोस्ट सॉट आफ्टर यू नो होस्ट इन बॉलीवुड राइट नाउ. वो झलक दिखला जा कपिल शर्मा के साथ होस्ट कर चुके हैं, इंडियन आइडल बहुत सारे इंडियन सीजन वो होस्ट कर चुके हैं, और भी काफी सारी रियलिटी शो वो होस्ट कर चुके हैं. कैमरा के सामने उनका प्रेजेंस बहुत अच्छा है, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ये सब यू नो स्पॉन्टेनियसली आता है. वो काफी अच्छे कलाकार है, लेकिन यही बात है कि उनको मूवीज में ज्यादा नहीं लिया गया या उन्होंने खुद कोशिश नहीं की, आई डोंट नो, लेकिन काफी अच्छी लग रहा है वो. ही लुक्स रियली गुड आउट हियर. तो मैं चाहता हूँ कि मनीष पॉल और भी ऐसे कॉमेडी मूवीज करे, एंड वी वुड लव टू सी हिम डूइंग बेटर थिंग्स आउट हियर. और अगर हम डायरेक्टर के बारे में बात करें तो बेसिकली उन्होंने यू नो गुड न्यूज बनाई थी, कपूर एंड सन्स के आई गेस वो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे, एंड ही इज अ गुड डायरेक्टर. जब देखते हैं कि कैसे इस मूवी को एग्जीक्यूट किया, इट लुक्स गुड, यू नो थोड़ा ग्लॉसी दिखना चाहिए. और शायद वो नेटफ्लिक्स में एक शो हुई थी अजीब दास्तान्स,
हाँ अजीत दास सांस में शायद उनका भी एक छोटा सा शॉर्ट मूवी था, वो डायरेक्ट कर चुके हैं। ओवरऑल मैं अगर इस बारे में, इस मूवी के बारे में बात करूं तो अच्छी है, यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ वन टाइम वॉच, या फिर आप दूसरी बार भी देख सकते हैं फॉर द कॉमेडिक एलिमेंट्स, फॉर यू नो अनिल कपूर एंड नीतू कपूर जी भी, उनका केमिस्ट्री कैसे होने वाला है वो भी देखेंगे, फॉर मनीष पॉल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वरुण धवन एंड कियारा आडवाणी। लेकिन मैं इस मूवी में मैं अनिल कपूर को आगे रखूंगा, क्योंकि वो मतलब क्या सिर्फ मैच्योरिटी के हिसाब से नहीं है इंडस्ट्री में, लेकिन उनमें वो दिखता भी है, वो एक्टिंग वो जब वो करता है ना उन कॉमेडी वो फेस में दिखता है, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ गुड मूवी, एवरेज मूवी हो सकती है, और धर्मा प्रोडक्शंस इज गोइंग टू यू नो इज प्रोड्यूसिंग दिस मूवी अलॉन्ग विद वायाकॉम 18, और ये मूवी रिलीज होने वाली है 24 जून 2022। म्यूजिक तो मस्त है, गाना भी बहुत सारे, आई गेस बहुत सारे गाने और भी बहुत सारे गाने हैं जो धीरे धीरे रिलीज होंगे, पर हमें जो गाना हमें गाइस नोटिस किया वो नच पंजाब नच, क्या गाना है बॉस, क्या मस्त गाना, ये वो चार्ट बस्टर होने वाला है, होने वाला है ये पक्का है। और गाइज ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर जैसे कि हम लोगों ने बताया कि वन टाइम वॉच हो सकती है। ये जो टॉपिक है ना कि ये जो कहा वो अनिल कपूर डिवोर्स लेने वाले हैं इतने सालों बाद, वो मैरिज के बाद उनके वाइफ को ये नहीं पता, पर उनके बेटे को ये पता है, पर बेटे भी अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाले थे या फिर लेंगे, ये सब रिलेशनशिप से जो जो ट्रॉमा से या फिर जो भी गुजर रहे हैं ये सब कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा। मतलब अच्छी है, फैमिली मूवी है, देखने में बढ़िया लगेगा, मजा आएगा। और पता नहीं ये कितनी सुपर हिट होगी, या फिर आजकल तो आपको आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड के मूवीज ज्यादातर नहीं चल रहे, पर मैं चाहता हूँ कि चले, ये मूवी मुझे अच्छी लग रही है और ऑडियंस भी इसे देखने जाए। आपको ये ट्रेलर रिएक्शन कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ जुग जुग जियो। यही कहते हुए हम आपसे अलविदा कहते हैं, और वी विल बी कमिंग बैक विद अनदर ट्रेलर रिएक्शन, और वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, और बस 10-15 ही बाकी है। आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक शायद हम हमारी वीडियोस देख रहे हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, हाँ, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे कंटेंट्स आने वाले बहुत जल्द, और कीप लविंग अस द वे यू हैड बीन लविंग, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम और अच्छे कंटेंट और अच्छी नीयत के साथ, सच्चाई के साथ और प्रॉपर रिव्यू के साथ आपके सामने आएंगे। एंड टिल देन कीप लविंग अस एंड कम बैक टू रिएक्शन अगेन। गुड बाय।